अगले सप्ताह से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक सहित 6 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कमर कस ली है। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा जो 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान वित्त विधेयक के अलावा सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कारोबार को सुगम बनाने के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करने को लेकर विमान अधिनियम 1934 को प्रतिस्थापित करने के वास्ते भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को भी सूचीबद्ध किया है। आपको बता दें कि विधेयकों की सूची बृहस्पतिवार शाम को ही लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी संसद बुलेटिन में प्रकाशित कर दी गई थी। 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। सत्र के दौरान पेश किए जाने और पारित होने के लिए सूचीबद्ध अन्य विधेयकों में स्वतंत्रता पूर्व कानून की जगह लेने वाला बॉयलर विधेयक, कॉफी संवर्धन और विकास विधेयक और रबर संवर्धन और विकास विधेयक शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय एजेंडा तय करने वाले BSC यानी कार्य मंत्रणा समिति का भी गठन कर दिया है, जिससे तृणमूल कांग्रेस से सुदीप बंदोपाध्याय, भाजपा से पीपी चौधरी, निशिकांत दुबे, संजय जायसवाल, भर्तहरि मेहताब, बसंताय पांडा, अनुराग ठाकुर को शामिल किया गया है। वहीं टिडेपा से लव श्रीकृष्ण देवरायलू, कांग्रेस से गौरव गोगोई और के सुरेश, JDU से दिलेश्वर कामत, तृणमूल से पार्टी से दयानिधि मारन, शिवसेना UBT से अरविंद सावंत और सपा से लालजी वर्मा सदस्य शामिल है।